अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से जो सिग्नेचर वेरिफिकेशन है उसको आप शाओमी के मोबाइल में यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सिस्टम यूआई प्लगइन को एपीके फाइल उसको इंस्टॉल किया था, लेकिन यहाँ पे जो सिग्नेचर वेरिफिकेशन है वो डिसेबल ना होने की वजह से हमें ये एरर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें कोर पैच एपीके फाइल की ज़रूरत है, उसके बाद एलएस पोस्ट की ज़रूरत है। ये दोनों फाइल की मदद से हम जो है जो सिग्नेचर वेरिफिकेशन है उसको डिसेबल करेंगे। तो सबसे पहले आपने कोर पैच को एपीके फाइल को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आपने एलएस पोस्ट को इंस्टॉल करना है। तो फ्रेंड्स, इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने मोबाइल को रूट करना पड़ेगा और मैजिस की मदद से हम जो है एलएस पोस्ट को यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो उसके लिए आपने सिंपली मॉड्यूल सेक्शन में जाना है, इंटरनल स्टोरेज में जाना है, उसके बाद आपने एलएस पोस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और इसको ओके कर देना है। लेकिन यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने से पहले आपने मैजेस की सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आपने जैजेक्स को यहाँ पे आपने एनेबल कर लेना है, उसके बाद ही ये जो कोर पैच ऐप है यहाँ पे वर्क करेगी, अदरवाइज ये एलएस पोस्ट और कोर पैच दोनों यहाँ पे वर्क नहीं करेंगी। तो यहाँ पे आपने इसको एनेबल करने के बाद आपने मॉड्यूल सेक्शन में जा कर सिंपली एलएस पोस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो फ्लैशिंग प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो जाएगा और आपने अपने मोबाइल को एक बार रीबूट कर देना है। तो रीबूट होने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ आपने नेक्स्ट क्या करना है। तो यहाँ पे हमारा जो मोबाइल है वो रीबूट हो चुका है। अब मैं डिस्क में जाके मैं आपको चेक करवा देता हूँ जो एलएस पोस्ट है वो यहाँ पे इसकी मॉड्यूल जो है सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पे मॉड्यूल सेक्शन है, आप देख सकते हैं जो जैजेक्स है, एलएस पोस्ट है, वो यहाँ पे इंस्टॉल है। तो अब प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, आपने दोबारा एलएस पोस्ट को यहाँ पे नोटिफिकेशन बार से यहाँ से ओपन कर लेना है। और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं कोर पैच की, और यहाँ से आप उसको एनेबल करेंगे तो फिर ये सिग्नेचर वेरिफिकेशन यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे एलएस पोस्ट जो है सक्सेसफुली हमने यहाँ पे एक्टिवेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसे यहाँ पे एनेबल है। तो अब आपने सिंपली मॉड्यूल सेक्शन में जाना है, उसके बाद आपने कोर पैच को यहाँ पे ओपन कर लेना है और यहाँ पे कोर पैच को एनेबल मॉड्यूल कर देना है। उसके बाद आपने नीचे सेटिंग्स जो इस मॉड्यूल की हैं कोर पैच की, उसमें चले जाना है और यहाँ पे जितनी भी आपको ऑप्शन मिल रही हैं सबको आपने इसको एनेबल कर लेना है। ये एनेबल करेंगे तो फिर ये वर्क करेगा, अदरवाइज आप वर्क नहीं करेगा। तो आपने जितने भी यहाँ पे सेटिंग्स हैं आपने उसको एनेबल करके सिंपली अपने मोबाइल को एक बार रीबूट कर देना है। और रीबूट होने के बाद फिर आप देखेंगे जो कोर पैच है और एलएस पोस्ट है वो सक्सेसफुली इसमें इंस्टॉल हो चुकी होगी। तो हम इसको एक बार रीबूट कर लेते हैं और आपको फिर मैं दिखाता हूँ आपने नेक्स्ट क्या करना है। और फिर हम जितनी भी इसमें एपीके फाइल्स हैं इंस्टॉल करेंगे, उसमें हमें जो डिसेबल वेरिफिकेशन का हमें एरर मिलता था वो देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो मोबाइल है वो रीबूट हो चुका है। और एलएस पोस्ट में हम दोबारा गए तो यहाँ पे मॉड्यूल सेक्शन में जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ जो यहाँ पे हमने कोर पैच को इंस्टॉल किया था तो उसकी जो मॉड्यूल है यहाँ पे सक्सेसफुली एनेबल हो चुकी है। और यहाँ पे अब दोबारा आप अपने फाइल मैनेजर में जाएँ और उसके बाद आप यहाँ से एपीके फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये प्लगइन की जो एपीके फाइल थी हमें पहले एरर यहाँ पे देखने को मिल रहा था, लेकिन अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप देखेंगे हमें यहाँ पे कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये फ़ायदा है सिग्नेचर वेरिफिकेशन को डिसेबल करने के लिए। तो आप देखें यहाँ पर जो सिस्टम हुआ ये प्लगइन है वो सक्सेसफुली इसमें इंस्टॉल हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपने एंड्रॉयड को Xiaomi के मोबाइल को डिसेबल जो सिग्नेचर वेरिफिकेशन उसको डिसेबल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।